गंगाराम प्रसाद ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सतनामी समाज में आक्रोश है। और हम इस वक्त मौजूद है गंगाराम जी के घर में, और उनकी पत्नी से जानेंगे क्या कुछ हुआ था। माता जी, क्या हुआ था 27 तारीख को? 27 तारीख को जब वो ऐसे तो पुलिस वाला मैं नहीं सवे, रात में 10:30 बजे नोटिस पकड़ गई, तो वहाँ तो मैं रिपोर्ट लिखा रहे हैं, लेकिन वो तो मोर पति का नाम भी डाल दे रही से, तो भगत दास एक स्टार वाला पुलिस से तो पूछे तो बोले फोन भेजे बोले है तो किसी से कि वो वही पुलिस वाला का नाली से भगत दास भेजे करके कि आप मतलब बोलना है तो कि कुछ भी बोलो तुम जाके ऐसे गए, हम लोग जा पर तैयार हैं सर ऐसे बोले हैं। तब वो बोली से कि तुम कल आ जाना, तुम ही लोग के हेवायन हमन है, वहाँ जाके बोल ले हूँ बिहार में ऐसे कि सर तो ठीक है कहें। अब वो है वो मोर नाम कैसी है इसके डर गए, डर एक बाद में वह मतलब रात में खाना वाना नहीं खेस बेटा, रोटी खातरी से हूँ, रोटी वोटी नहीं खेसे जैसे तैसे, रोटी सब्जी पानी भी नहीं पिए, और जैसे सुबह हो तो मैं देखे मतलब कि कैसे सोने चार्ज ऐसे जगह हंस करके। तो बोले से कि मोर ना दिमाग अच्छे नहीं लगा थे, मैं थोड़ा गांव में घर है मोर बड़ौदा में एयरपोर्ट में, तो बोले वहाँ आना जाना हम सबके लगे हैं वहाँ आते जाते रहते हैं घर को, तो बोले मैं वहाँ फ्रेश थोड़ा मुँह फ्रेश करके आवा था ऐसे कह के गी से। अब जाए के बाद में अब वहाँ मतलब वहाँ फांसी लगा ली और धमकी चमकी के डर से, वो रात में जब तो नहीं आती इस ना रात में तो आदमी का ख़त्म होती चाहे नहीं होती, वो रात में आके मतलब डर आ गया उसका मन में कि ऐसे मोर नाम कैसे आ गए सरकारी कर्मचारी हैं और अपना परिवार है पोसा था पाला था ये ऐसे बोला मतलब टेंशन आ गए ओकर। और बहुत बार हम मतलब भर्ती कर चुके हैं मानसिक स्थिति में भी ओकर गए रहे डॉक्टर घर, ओ जय अम्बेम डॉक्टर घर भर्ती करवाए हैं बेटा 2-3 बार। तो वैसे होता आदमी से जब लेटा वो नहीं आती ना वो नोटिस या मरती या नहीं मरती ऊपर वाला खाते हुए कि टेंशन में कर गए आकाश गिल और टेंशन मोर घर मोर टेंशन है मेरी कि वो डोकरा है ना काय ना होकर जगमीर सिंह गर्चा वो है बोल के यहाँ से धमका चमका गए है कि तोर घर ला स्टे करवा दूँ स्टे लगवा दूँ तुम मन मोर कर नहीं बेचा तब था तुम कम पैसा बेचो घर ला जमीन तुम्हारे छे पट्टा तुम्हारे नाम में और ईट को घेरा मारूंगा मैं वहाँ ताला लगाऊंगा मैं गेट लगा कर ऐसे कह डरवाई था हम कैसा भाई। तब वो है सचमुच में आके ईटा घेरा मार दी जो है मोर आदमी और डर गए कि अब कैसे कर वो, तो मैं बोले हाँ कि गेट तो वहीं से वहीं रही है ना इन्हें तो करवा जाए ऐसे करके बोले हाँ। तब आज 4 महीना 5 महीना हो गए अभी मन डेली आगे बेचो तुम तुम आए हर सब तू कम दाम में बेच ऐसे किया जबरन की उसका बीबी कि मेरे को उसमें इसमें फंसा दूंगा करके ये बात बोल बोल के मोर नाम में बसा रहे कह के वह थाना में जा जा निक निक के देवत है और उल्टा मोर बेटा भी फंसवा दी कि तुम लड़की लाए कह के और हम ये शिकायत करें पुलिस वाला का तो हमारे सुनबे नहीं करी और हम ही माला 2-4 पुलिस लान के यहाँ पे धमकावा चमकाए मलमा हटाओ हटाओ करके है ना। तो यही सब बात है बेटा ऐसी में मोर पति गए शिकायत कुक्रोश करे रहो कि धमका चमका थे घर के घेराबंदी करे थे जमीन बेचे पर दबाव डाला थे ये ला पुलिस वाला बोले हन कि हमार जगह हमन होकर जमीन में हम कब्जा नहीं करा था माने जाए शासकीय जमीन है शासकीय जमीन में तो तब यहाँ शादी करते ब्याह करते
वो मरनी हरनी में जगह सबो काम आती है लवासी मन के, तो हम बोले हैं ये तो मत घेरा मारो ऐसे कह के, वो तो मेरा जमीन है मैं टैक्स पटाता हूँ तुम कर लो ऐसे कई धक्का चमका के एक दिन के नहीं रोज घर फूट गई से गड्ढा खोदा इसमें और घर अंदर आवाए वहाँ कैमरा लगा दे है, यहाँ पर कैमरा लगाए हमें पता नहीं रही से वो कैमरा के जरिए से हम कहाँ करते हैं कहाँ गुठिया था कहाँ वतन ये सारी मिले हम ऊपर मारे कहीं जाने से कत रहे ओकर बाद चल हमारे सतनामी समाज के जो थाना है वहाँ सहयोग मिल ही कहे कि भगवान के कमन वहाँ गए कि वहाँ दे के आए तो वहीं भी कार्रवाई नहीं की, एस पी में दिए तो वहाँ भी कार्रवाई नहीं करी, यहाँ थाना वाला तो खुद पैसा खा बैठे रही हम ही मतलब हम का वो कुछ कार्रवाई नहीं करी वहाँ ऐसे ऐसे बात बेटा। जब ये मामला हुई से एफ आई आर कराए पर गए हो थाना में ओकर बाद गलो अपन के एफ आई आर नहीं लिखी से है? थाना गए हो एफ आई आर करवाए पर तो एफ आई आर गलो नहीं लिखी से पुलिस वन कुछ नहीं लिखे हमारे बारे में जब जब पुलिस वाला डरवा हम का देंगे देकर सती हम डर गए वो डोकरा है ना जगमीर सिंह वो मोर पति के मोबाइल में भी लिख चुके हैं कि तुम सब परिवार ला के फरवरी के इतने जाना समय ला कि सब उमर के नाम के पूरा परिवार के में रिपोर्ट लिखा दिया सब झाला पुलिस वाला बैठार के रखी थाना में ऐसे भी डरवा सुरक्षा पर का कुछ अपील करना चाहो सरकार हम सरकार सुरक्षा मांग ही वो खत्म हो जाए वो रोज है और कोई न्याय चाहत पीड़ित परिवार है जो न्याय करे और सरकार से अपील कर रहे कि सरकार उन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और परिवार को न्याय मिले। अब देखने वाली बात होगी कि परिवार को सरकार कब तक न्याय दिलाती है और कब तक आरोपियों पर कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सुजीत यादव के साथ अजय शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़।